जगदीश जी का, हमारे अध्यक्ष साहब का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करना चाहूंगा कि आज हमने हमारे एरिया के हिसाब से एक छोटी सी गेट टुगेदर वाली एक मीटिंग रखी है और आपको सबको आमंत्रित करने में हमें खुशी है कि आप यहाँ पर पधारे और हमारे साथ में आपने अपने अपने विचार प्रकट किए और हमें एक मार्गदर्शन करने के लिए आपने प्रोत्साहन दिया। साथ साथ में मैं अपनी चुनाव की बात करने के लिए मैं तैयार हुआ हूँ और मैं दिल की बात आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि सबसे पहले मैं ईमानदारी से बात कहूँ तो मुझे चुनाव का बारे में न तो लड़ना था और न खड़ना था। ये सबसे पहले मेरी जो सच्चाई है मैं आपके साथ प्रकट कर रहा हूँ। मुझे कहा कि प्रदेश अध्यक्ष गिरधारीलाल का समय पूर्ण हो रहा है, अभी कोई प्रदेश अध्यक्ष के लिए नाम आगे कर रहे हैं, अपू राम जी का किया, उसका किया। जब मैं बोला भाई कोई भी करो मुझे क्या फर्क पड़ता है, तो फाइनली वहाँ पर त्रैमासिक मीटिंग थी, प्रदेश अध्यक्ष और गिरधारीलाल जी वहाँ थे, माइक वगैरह लगे हैं, बड़े बड़े स्पीकर लगे हैं वहां पर। एक ध्वनि में, वो मेरे पास मैसेज है, मैं फॉरवर्ड नहीं किया अभी तक, मेरे को किसी ने किया है, पोलाराम जी अध्यक्ष साहब, पूर्व अध्यक्ष भंवरलाल जी, पूर्व अध्यक्ष तेजेश जी और संपूर्ण समाज जो वहां पर उपस्थित था, उन्होंने कहा कि हम लोग सर्वसम्मति से जगत राम का नाम आगे कर रहे हैं। हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मुकेश जी के समाज में हमने बात की, वहाँ कोई उम्मीदवार खड़ने वाला नहीं है और हम आपको हमारे समाज की ओर से आपका नाम आगे कर रहे हैं और हम आपको प्रदेश अध्यक्ष के लिए आगे कर रहे हैं। मैंने बोला भाई मेरा वो वीडियो भी मैंने खंडन किया था कि मैं तो नहीं हूँ करके, लेकिन फिर भी अगर समाज मेरा नाम आगे करता है, समाज मुझ पर भरोसा जताता है तो मैं समाज के लिए कार्य करने के लिए तैयार हूँ क्योंकि मैं पहले से ही समाज से जुड़ा हुआ हूँ और समाज में कार्य करता आया हूँ। उस कंडीशन में मैंने यस की। अब हुआ क्या, थोड़े दिन के बाद में बाबूलाल जी समाज में पधारे कि भाई मैं भी खड़ रहा हूं, तो अब मेरे पास क्या बचा है क्योंकि मेरा नाम आगे कर दिया है, इलेक्शन नहीं, मेरा नाम आगे कर दिया कि आप है उम्मीदवार और कोई और उम्मीदवार है। तो मैंने पूछा भाई ये क्या हुआ, तो बोला भाई चुनाव लड़ो। भाई ठीक है, अगर आप चुनाव लड़ा है तो मैं चुनाव लड़ लेता हूँ, मेरे को क्या, क्योंकि आप ही तो आगे मेरा नाम किया, मैं तो कैंडिडेट। देखो मैं आपको ईमानदारी से एक बात बोल देता हूँ कि जगत राम कभी व्यक्तिगत खड़ा होगा ना तो ऐसी ऐसी घोषणाएं करेंगे जो शायद रावण ने भी नहीं की होगी। लेकिन मैं आज जो खड़ा हूँ, मैं समाज का सदस्य, समाज का कैंडिडेट बन के खड़ा हूँ, इसलिए मैं शांत हूँ और सबकी बातें सुन करके मैं आपके साथ खड़ा हूँ। एक दो रावण की घोषणा बता सुनिए। तो अब चुनाव होना है, चुनाव करेंगे। मेरे को लगा, बोला गया समाज की तरफ से कि आपका अगर फॉरम में कहीं त्रुटि रही, फॉरम सही नहीं भरा, तो उसमें हमारा कोई कसूर नहीं है और आप बाहर बाहर हो जाओगे, आप क्वालिफाई नहीं करोगे। मैंने भगवान को प्रे किया, यार भगवान मुझे क्या करना पड़ेगा क्वालिफाई करने के लिए। तो भगवान कहा कि भैया महासभा क्या क्या पूछती है वो डॉक्यूमेंट रेडी कर दे। तो मैंने वो भाग दौड़ करके डॉक्यूमेंट तैयार कर दिए और डॉक्यूमेंट सबमिट करके समाज के सामने रखे और फिर वहां से जो आए हुए थे डॉक्यूमेंट चेक करने वाले बंधु समाज के, उन्होंने बोला कि यू गो हेड, तो मैं गो हेड में आ गया। तो अब होता कैसे है कि अब वहां एक और बंधु के भी डॉक्यूमेंट आए, उनको बोला तू भी गो हेड। तो अभी दोनों गो हेड में हो गए। अब ये वो बोलते हैं ना कि यहाँ उठ के बैठ के बाहर जाके बातें हो रही है, यहाँ हो रही है, यहाँ हो रही है। मैं सोचा कि यार आज ही पूरा माला, या तो मैं मेरे डाल दे या बाबूलाल की माला, आज ही माला डाल करके और आज समाचार समाप्त हो जाएंगे। लेकिन समाचार समाप्त होने का नाम नहीं रहा है। वहाँ के जो चुनाव अधिकारी पधारे हुए तो उन्होंने कहा भैया अब तो आपको हम चुनाव चिन्ह देते हैं और इसको लेके घूमो 16 तारीख तक। तो अब चुनाव चिन्ह मुझे दे दिया है दीपक, दिवाली आने वाली है, आप मुझे बोलते हैं दीपक अभी से जलाना शुरू कर दो। तो हम लगे हुए दीपक जलाने में, 24 तारीख की दिवाली है और 16 तारीख का हमारा दीपक भी जलने वाला है। ठीक है, अब हमारा दीपक जल गया तो हमें खुशी है और नहीं जला तो भी मुझे दुख नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये मेरे समाज का कार्य करने जा रहा हूं और समाज के चुनाव में हार जीत इतनी महत्वपूर्ण नहीं होती है, व्यवहार महत्वपूर्ण होता है और सिद्धांत महत्वपूर्ण होता है। मुझे दाव पेच खेल करके जिनके वोट नहीं लगने हैं वो मेरे फेवर में वोट कर दे और फिर मैं प्रदेश अध्यक्ष बन जाऊं, ऐसी मेरी अभिलाषा है नहीं और अभिलाषा रहेगी नहीं भविष्य, क्योंकि मैं मेरे जीवन में सिद्धांत लेके चला और जगत में मुझे खुशी है कि भंवरलाल जी ने आज मेरे को एक तमसा दे दिया
कि यार ये आदमी है सिद्धांतवादी, मतलब ये सच्चा है, तो मुझे खुशी है। और भाई भले बहुत दिनों के बाद में आए, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन आए तो सही, उनके इनके इनके मुंह से ये निकली तो सही कि यार सच्चाई की जीत होती है। मैंने हमेशा जीवन में सच्चाई का साथ दिया। समाज के कार्य करने में जाता हूं तो मेरे सामने कौन है वो मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन मैं क्या कहने जा रहा हूं वो महत्वपूर्ण है। तो हमेशा मैं समाज की बात रखूंगा, भविष्य में अगर मुझे अवसर दे दिया। इतना जरूर है जो भी आज महासभा में बड़े बड़े जो दांव पेच खेलने वाले लोग हैं वो मेरे संपर्क में हैं, वो मुझे व्यक्तिगत जानते हैं। मैं उनसे क्वेश्चन जरूर करूंगा कि आप पहले नुरवुरु के लिए खड़ा करते हो लोग को, फिर किसी को बीच में लाते हो, फिर उसको एंड तक रखते हो, वो फिर सस्पेंस में छोड़ देते हो, और फिर बोलते हो कि चुनाव लड़ो। और फिर क्या होता है, मैं आपको चुनाव का एक गणित बताता हूँ। आदमी जब कोई भी प्रकार का चुनाव लड़ता है, भले राजनीति का हो या फिर सामाजिक संस्थाओं का हो, उसको चुनाव लड़ाने वाले चुनाव खड़ने वाले से ज्यादा होशियार होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं हूँ, मुझसे ज्यादा ये लोग ज्यादा होशियार है। तो होता कैसे है कि जो चुनाव लड़ाते हैं ना, उनको मालूम हो जाता कि भैया तू गड़बड़ होने वाला है, तो हमारी भी नाक कटाएगा और तेरी भी कटनी है, तो क्या करें कि तो लोटा बन जाते हैं, लोटा का मतलब पलटी मार देते हैं। तो मैंने इनसे कहा कि जगतराम पलटी नहीं मारेगा, जगतराम लोटा नहीं है, तुमको होना तो हो जाओ, अगर आपको होना है लोटा तो लोटा बन जाओ, आपको पलटी खाना करो, लेकिन मैं पलटी नहीं करूं, क्योंकि पलटी खाने का मेरा समय पीछे रह गया, अब तो मुझे ब्याह ही करना है, ठीक है ना, अब तो मुझे मतलब प्रधान का चुनाव लड़ना है, तो लड़ना हार जीत मेरे मुकद्दर में, मेरे सिकंदर में, और अगर आप भी मेरे लिए कुछ नहीं करते तो मैं आपको भी कभी दोष नहीं दूंगा। ये सामाजिक संस्थाओं के चुनाव है, मेरा आपने नाम आगे किया है, और बट मैं आपको ईमानदारी से कहता हूं कि मुझे कभी कभी दुख भी होता है कि यार ये कहां जमेला जगतराम मोल ले लिया यार, है ना, कि मारवाड़ में कहूती बेटी डूबने घर में घोड़ों खाती है, क्योंकि जिस प्रकार के समाचार में महासभा के सुनता हूं ना, तो मुझे थोड़ा दुख भी होता है यार। ये बोलते गिरधारी लाल जी बोलते मैं आशा आया हूं, आशा है का मतलब होता है आई कैन नॉट डू एनीथिंग, कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। लेकिन अगर गिरधारी लाल जी बोलता है मैं आशा आया हूं, रामपाल जी कहते हैं कि शायद मैं भी आशा आया हूं, तो फिर जगत राम दो तीन साल देखिए ऐसा है, मैं ईमानदारी से कहता हूं कि अगर मैं इस पद पे खड़ा हूं और मैं चुनाव जीतता हूं, तो मैं ईमानदारी से साथ काम करूंगा, और मैं मैदान छोड़ करके भागने वाले लोगों में से नहीं, मैं आपको इतना वादा दिलाता हूं, इतना विश्वास दिलाता हूं। और दूसरे में अगर कोई भी गलती करेगा, साहब ने बहुत अच्छी बात की कि हमारा विचार रखने के हम स्वतंत्र है, लेकिन हमारे विचार सही है हम स्वतंत्र नहीं है। मैं मेरी बात ईमानदारी से रखूंगा, शायद सामने 10 लोग बैठे हो, मेरी बात उनको अच्छी नहीं लगी, सही नहीं होगी, तो ठीक है, उसके लिए मैं कुछ तलवार लेके लड़ूंगा नहीं। लेकिन जहां तक मैं समझता हूं कि मैं 25-30 साल से सामाजिक संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूं, तो मैं जब भी कोई बात उठाता हूं तो मेरी थोड़ी क्या है कि मेरे लवज जो है ना थोड़े हंसी मजाक वाले भले हो, लेकिन मैं बात है ना तत्वबोध की करता हूं, गहरी करता हूं, मैं ऐसी हल्की बात नहीं करता हूं, भले मैं मुस्कुरा के बात करता हूं अलग बात है, तो मैं समाज के लिए ठोस बात रखूंगा, ठोस कार्य करूंगा, और सबको हारा वो भी मेरा, जीता वो भी मेरा, मैं उसको साथ में रख करके गले लगा के आगे बढ़ने वाला हूँ। बाकी परमात्मा ने चाहा और आपने चाहा तो अच्छा ही होगा। जय हिंद, धन्यवाद, विश्वकर्मा की जय। आप सब पधारे, आप सब ने इतना आदर दिया, इतना सम्मान दिया, उसके लिए मेरा मैं जीवन भर मुझे स्मरण रहेगा। धन्यवाद आप सबका, थैंक यू।